तो ये श्याम छोटा था और जब डांस का टाइम आता था तो मैं दूसरों को धीरे थोड़ी देर रखना, आप मैं डांस करके आती हूँ। कोई लोग बोलते हैं ये क्या है, ये डांस करने वाली है, लेकिन ये हर किसी से नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत है। आज भाभी जी करते वो मटके वाला 11 मटके लेके, तो वो मतलब 10-15 मिनट का ही है, लेकिन वो सिर से पसीना ठेठ पैर तलक आ जाता है। कांच छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी लग भी जाता है, तो वापिस निकाल देते, 2 दिन में ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग से हमारा यही खानदानी काम यही है। मेरे दादा दादी के भी मम्मी पापा थे, वो पहले मतलब यहाँ गांव-गांव में जाते थे, तंदूरा और ढोलक हारमोनियम लेके, और मेरी दादी वो मंजीरा बजाती थी। तो हमने बोला अपन भी कोई डांस शुरुआत करें, तो डांस से मतलब थोड़ा कमाएंगे 2 पैसे। सीखने में तो लगता मिनिमम 12 महीना जैसे तो लगते ही। मैं तो जब 12 साल की थी जब से मैंने सीखा। मेरी मम्मी मतलब ये 13 ताल करती थी, फिर मेरे छोटे छोटे मंजीरे बना के दिए मुझे, तो मैं पूरे दिन ऐसे 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 बजाती रहती थी। 9 मंजीरे पैर के बांधते और 2 हाथ में रहते और 2 यहाँ पे आते, 1 यहाँ पे बांधते थे पहले, तो वो अलग अलग तरीकों से बजाया जाता है। 13 ढंग से पूरा बैठ के भी बजाते, सो के भी बजाते, मुंह में तलवार लेके भी बजाते और पैरों के भी बजाते। स्कूल जाती थी मैं, लेकिन दादाजी कहीं बाहर ले जाते थे, फिर मुझे खाने का बाहर घूमने का अच्छा लगा, तो फिर मैंने बोला यहाँ पढ़े ही कौन रहेगा, बाहर अच्छा है। सबसे पहले ब्राज़ील गई, और ब्राज़ील से मैं क्यूबा गई और हवाना गई, एमसी ड्रम गई और मॉस्को भी जाके। मम्मी ने बुआ ने मिलके बहुत सारी लेडीज़ को सिखाया हमारी कास्ट में, तो वो लेडीज़ सीखे अब उनकी लड़कियों को सिखा दिया। कोई लड़कियाँ होती हैं वो ये सोचते हैं कि यार क्या है नाचने वाली हूँ, हमारे जैसा डांस नहीं करते, तो इनको पता नहीं है कि डांस क्या चीज़ होती है। मैं 7th क्लास में थी तब से मैंने शुरू किया था, उदयपुर में ही आके शुरू किया था, बागोर की हवेली से। 50 रुपये मेरी सैलरी थी एक दिन की, बंद करके कमरा पूरा और अकेली करती थी, घरा लेके बैलेंस बनाती थी। 1 साल में तो पूरी परफेक्ट हो गई। बागोर की हवेली में 2-3 बार सीखने के बाद भी गिराया था, वो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था, दोनों लोटे नीचे गिर गए थे। दूसरी बार जाने का ही मन नहीं कर रहा था, स्टेज पे जाऊंगी नहीं अब सोच के रखा था, पर अब तो आदत हो चुकी है, भले कितनी भी पब्लिक होगी तो भी डांस कर लूँगी। टीचर बोलते हैं कि यार इतनी अच्छी मतलब डांसर्स है और इतने बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस कर चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। डांस के अलावा मेरे को एक शौक है म्यूज़िक का, और मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाऊँ। कम से कम 30 साल पुराना है हारमोनियम, जब पापा मतलब बजाते थे, काश पापा सामने होते और वो बैठ के सिखाते तो और कुछ अलग ही मज़ा आता, पर वो नहीं है। पापा हारमोनियम बजाते थे, गाते थे और मम्मी डांसेस करती थी, पर मम्मी पापा सिर्फ 3 साल ही रहे साथ में बस, और फिर 15 दिन बाद मैं हुई थी। पापा का दूसरा जन्म मैंने लिया। वो जहाँ कहीं भी हैं उन्हें भी खुशी होगी कि मेरी बेटी आज इतनी अच्छी सिंगर्स बनी है। पब्लिक को लगना चाहिए कि यार तारा भाटी आ रही है स्टेज पे, सपने देखती हूँ पर सपने पूरे कब होंगे। मुझे गाने का बहुत इंटरेस्ट है, एक कड़ी आती है गाने की और दूसरी की मैं गा लेती हूँ, मतलब मुझे याद नहीं रहता, और पढ़ी लिखी होती तो मैं लिख के तुरंत गा लेती। इसके पप्पा ने मुझे सिखाया, तो इसके पप्पा गाते थे तो मुझे बोला कि तू भी गाना सीख। मैंने मुझे शर्म आती है कि नहीं शर्म नहीं आएगी, बैठ मेरे पास। 16 साल हो गए इसके पिताजी को शांत हुए, इसको मालूम भी नहीं है पप्पा थे या नहीं थे, सब जो हूँ वो मैं।
उनके जाने के बाद में मेरे पे इतना लोड पड़ा, थोड़ा पैसा आपके पास से लिया मैंने, थोड़ा इनके पास से लिया, यूं करके मैंने काम निकाला। वापिस कमाती हूँ और वापिस जितने में और कोई दूसरा खर्चा आ जाता है, वापिस लेती वापिस देती रहती। मेरी मतलब मनोकामना यही है कि मैं इनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। हमारे समाज में तो मतलब कम लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते लिखाते, बहुत कम है, वो छोटे से इन प्रोग्राम में उनको डाल देते। आज मेरी सासू माँ है, आज इतनी उम्र में भी कमा रहे, वो लगभग 70 के आसपास, कल मैं भी बूढ़ी हो जाऊँ, 2 पैसों का मेरे सारा बनेगा।